सूर्य मंत्र देव की गरिमा है, हमारी गरिमा सूर्य मंत्र से होती है। उसमें भी अपन को माने प्लस माइनस करते हैं, तो जैसे तारण मंत्र का जन्म हुआ, ऐसे हम भी नए मंत्र के जन्म में सहभागी हुए, सहभागी नहीं हुए लेकिन अनुमोदन नहीं करें। एक बार सचिन राणी ने तिलक दान माने तिलक कर दिया प्रतिष्ठाचार्य को, तो आगे की विधि भी प्रतिष्ठाचार्य ही करेगा। और प्रतिष्ठाचार्य जब नियुक्ति समिति करती है तो सभी कल्याणों की बात करती है, तीन या चार या पांच या आधा वो करेंगे आधा ये करेंगे, ऐसी बात नहीं करते। और तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं और वो खुद तीन लोग होते हैं, और उनकी माने तीर्थंकर की मौजूदगी में यदि नई राज भी आ जाए तो दो जगह खंडित होता है, उनका भूमि बना भी खंडित होता है और अपनी प्रतिष्ठा भी खंडित होती है, तीर्थंकर बना भी खंडित होता है। ऐसे ही सूक्ष्म बातें और प्रयोजन अभी का जो विषय चल रहा है बर्निंग पॉइंट है, उसमें अपन को समझने के लिए खास जरूरी है ऐसी बातों पे मार्मिक प्रकाश डाला। अपना तो डीएनए सिंगो वाला है, तो अपन घोटे टेक के ऐसे क्यों बैठे। ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपन ने सूर्य मंत्र के बारे में आदरणीय डॉक्टर योगेश जी के माध्यम से सुनी। अब मैं आगे इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नागपुर से बता दे डॉक्टर राकेश जी को मैं विनय करता हूँ कि वो प्रतिष्ठा पाठों में सूर्य मंत्र का स्थान उस विषय में अपना वक्तव्य रख करेंगे। 20 मिनट वो आप उनको समय है, समय की मर्यादा में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सूर्य मंत्र का सच, इस विषय पर राजस्थान के बहुत इंटीरियर गांव बिजोलिया के पास इस सिंगोली नगर में इस विषय का प्रादुर्भाव हुआ है। इस विषय पर ये बृहद गोष्ठी आयोजित की गई है। हमारे देवेंद्र जी के मन में ये बात आई, जैसा कि अभी भाई साहब योगेश जी ने कहा, ये सूर्य मंत्र का विषय का जन्म ही अभी अभी 25-30 साल हुए हैं, तब तो इसका जन्म ही हुआ है। इसके पहले सूर्य मंत्र की बात कोई करता ही नहीं था, और अभी समझ लो 15-20 दिन पहले एक ऐसा वक्तव्य आ गया जिससे मुमुक्षु समाज थोड़ा हिल सा गया, और मुमुक्षु समाज के हिलने में ये भी कारण हम देख रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। हमारी प्रतिमाएं तो पत्थर की प्रतिमाएं घोषित कर दी जाएंगी, और ये ऐसा हो गया जैसा भाई साहब ने बताया। एक बिल्कुल क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, इस दिगंबर समाज को हम किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं ये सोचे विचारे बिना यदि इस बात को किया जा रहा है तो पता नहीं उनके मन में क्या उद्देश्य है और उनके मन में क्या है। बहुत 20 साल से जैसे बात चल रही है, मैं आपको आज से
20 साल लगभग पहले ले चलता हूँ, बल्कि 20-25 साल पहले ले चलता हूँ। 25 साल पहले जयपुर में एक शिविर लगा हुआ था और उस शिविर में ये चर्चा बहुत बहुत जोर से की जा रही थी कि भाई सूर्य मंत्र कौन दे, सूर्य मंत्र का देने का अधिकारी कौन है। इस बात पर जब बहुत विचार हो रहा था तो वहां पर इस बात की चिंता भी व्यक्त की जा रही थी और उस चिंता में वहां पर उस समय प्रकाश चंद जी हितैषी सन्मति संदेश के जो संपादक हैं वो वहां शिविर में थे और सब लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप पत्रिका निकालते हो, सन्मति संदेश बहुत फेमस पत्रिका थी, आप पत्रिका निकालते हो तो इस पत्रिका में आप एक सूर्य मंत्र के संबंध में एक लेख माला निकालिए और इसका जो सच है, जो इन्होंने आज नाम दिया है, ये सूर्य मंत्र का सच आप उसमें प्रस्तुत करें। योगा योग से मैं भी उस शिविर में उपस्थित था तो हमारे मेरे सामने ही ये बात हो रही थी तो पंडित जी ने मेरे को ये आदेश दिया, हितैषी जी ने मुझे ये आदेश दिया कि यार मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, कब्र में हमारे पांव पहुंच गए हैं तो तुमको इसमें मेरी मदद करना पड़ेगा। मैंने बोला आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। बोले तुमको ये मदद करना है कि तुम इसकी जो लेख तो मैं लिखूंगा लेकिन इसकी जो सामग्री है उस सामग्री तुम कलेक्ट करो और जो भी सामग्री इसके संबंध में मिलती है, कुछ शोधी खोजी प्रवृत्ति मेरी पहले से रही है तो उन्होंने कहा कि तुम इसका सामग्री एकत्रित करो और वो सामग्री मेरे को दो, उसके आधार पर मैं लेख लिखूंगा। तो उस समय हमने उनको सामग्री अनेक प्रतिष्ठा पाठों को, मेरा जो विषय आपने बोला कि विषय मेरा जो विषय इन्होंने अभी मुझे बताया है कि प्रतिष्ठा पाठों में सूर्य मंत्र का स्थान, ये मेरा विषय है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी बात कहना चाहता हूँ, समय इन्होंने मेरे को थोड़ा बढ़ा दिया है, मैं तो सोच रहा था 5-10 मिनट का समय मिल जाएगा बहुत है लेकिन इन्होंने 20 मिनट का समय मुझे दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय लगातार 3 अंक सन्मति संदेश की 3 अंक लगातार मेरे पास में, उसकी फोटोकॉपी आज भी है सुरक्षित है, उसके 3 अंक देवन जी भाई साहब ने मेरे को एक बार अवेलेबल कराए थे जब हम मंगलायतन में थे। तो जो है वो सूर्य मंत्र के 3 अंकों में उनका लेख छपा हुआ है कि सूर्य मंत्र क्या है, यही नाम से सूर्य मंत्र क्या है, इस नाम से वो लेख प्रकाशित हुआ। 3 अंकों में 10-10 पेजों का वो लेख है, बड़ा लेख है। उसके बाद में अभी हम जब प्रतिष्ठा का मंगल प्रतिष्ठा पाठ के नाम से ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी के साथ में एक प्रतिष्ठा ग्रंथ तैयार कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये विचार किया कि अंत में उसमें जो सूर्य मंत्र का जितना प्रकरण है वो तो है ही है प्रतिष्ठा पाठ के अंतर्गत, लेकिन अंत में परिशिष्ट में हम इसमें 1-2 विषय पर बहुत विवाद चलता है समाज में, सूर्य मंत्र को लेकर के और हवन को लेकर के बहुत विवाद चलता है, तो इन दो के संबंध में हम उसमें विद्वानों के जो भी लेख आदि हमारे पास में हैं, बड़े बड़े विद्वानों के, उस सब लेख हम उसमें संग्रहित करें। तो एक पुस्तक भी उसको मंगल उसमें परिशिष्ट में तो मंगल प्रतिष्ठा पाठ में दिया ही है लेकिन एक अलग से छोटी सी पुस्तक भी सूर्य मंत्र और हवन के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। मेरे पास में पुस्तक तो वो उपलब्ध नहीं है, 2000 किताबें छपी थी और एक पंचकल्याणक में वो वैसे ही हवा हो गई, मैंने उसके बाद में वो पुस्तक भी नहीं छपी लेकिन उसका मेरे पास में पीडीएफ है। पीडीएफ तो आप लोग सब समझते होंगे, उसका पीडीएफ है, आप चाहेंगे तो वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप देवेंद्र जी भाई साहब से कहेंगे तो वो भी उपलब्ध करा देंगे। उसमें जो लेख प्रकाशित हैं हमारे डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन सिवनी वाले जो बाद में छिंदवाड़ा रहने लगे थे, अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनका देहावसान हुआ है, उनका उसमें एक बहुत सुंदर, हितैषी जी का लेख तो है ही, उत्तम चंद जी साहब का लेख है
हमारे डॉक्टर योगेश जी का उसमें लेख है। एक प्रतिष्ठाचार्य हैं इंदौर के रमेश चंद जी बांझल, ये नाथूलाल जी के बिल्कुल अंतेवासी रहे। नाथूलाल जी के साथ में इनने 200 प्रतिष्ठाएं कराई हैं। रमेश चंद जी बांझल इंदौर के हैं, उनका भी इसमें लेख है। और एक ज्ञानमती माता जी का एक छोटा सा अंश, उनकी एक पुस्तक है अमूल्य प्रवचन के नाम से, तो उसका जो है कहीं से मुझे रेफरेंस मिला था, तो उसका अंश भी इसमें हमने छापा है। और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि सूर्य मंत्र देने का पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठाचार्य को है। किसने कहा ये? किसने कहा? ज्ञानमती माता जी। और जैसा भाई साहब ने कहा, ज्ञानमती माता जी ने जितनी प्रतिष्ठाएं कराई हैं, वो सारी प्रतिष्ठाएं जो हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य उनके एक भाई थे, क्या नाम, मोतीलाल जी कोठारी हैं शायद, मोतीलाल जी कोठारी और एक और हैं, रविंद्र जी, तो वो दोनों मिलके ही कराते रहे हैं। और वो पूरा उसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके पास में भी आता था कि भाई सूर्य मंत्र देने का अधिकार आपके प्रतिष्ठाचार्यों को नहीं है, तो वो जो है, इसलिए ज्ञानमती माता जी ने बहुत ग्रंथों का अवलोकन करके उन्होंने स्पष्ट उसका संकेत किया कि पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठाचार्य को है। ऐसे एक अभी पीछे ही करीब 5-6 साल हुए हैं, एक पुणे से एक पत्रिका निकलती है धर्म मंगल, एक लीलावती जी उसकी, डॉक्टर लीलावती जी उसकी संपादिका हैं। उन्होंने एक ये प्रयास किया था, उनके सामने भी ये प्रश्न आया था, तो उन्होंने ये प्रयास किया था पूरे सारे संघों में और सब विद्वानों के पास में। उन्होंने एक 20-25 प्रश्न तैयार किए थे कि भाई सूर्य मंत्र क्या है, कौन दे सकता है, कब दिया जाता है, क्या उसकी विधि है, और सूर्य मंत्र का इतिहास क्या है, सूर्य मंत्र देना आवश्यक भी है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न जो भी समाज में आते हैं, वो सारे प्रश्न उन्होंने सारे संघों में और सारे विद्वानों के पास में भेजे थे। लेकिन बड़ा खेद है कि उस संबंध में कोई ज्यादा उनको जवाब नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी जो जवाब उनके पास में आए थे, कुछ विद्वानों के आए भी थे लेख, उसका एक पूरा विशेषांक सूर्य मंत्र विशेषांक के नाम से ये विशेषांक भी प्रकाशित किया गया। एक हमारी ये पुस्तक ही है सूर्य मंत्र क्या है के नाम से, सन्मति संदेश के लेख, और सूर्य मंत्र और हवन के नाम से ये जो पुस्तक अभी छपा प्रकाशित हुई वो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुमुक्षु समाज पर ये बहुत आपत्तियां पहले लगाते रहे, अब तो आपत्तियां लगाना कम हो गया। पहले क्या आपत्तियां लगाते रहे कि ये इनने शास्त्र बदल दिए। लेकिन मैं आज आपके सामने इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूं कि जब से ये सूर्य मंत्र की बात आई है, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये सूर्य मंत्र प्रतिष्ठाचार्यों को नहीं देना चाहिए, उन्होंने प्रतिष्ठा पाठ बदल दी। जो प्रतिष्ठा पाठ गुलाब चंद जी पुष्प का पुराना था, प्रतिष्ठा रत्नाकर के नाम से, जो प्रतिष्ठा क्या नाम है उनका, प्रतिष्ठा प्रदीप के नाम से अपने नाथूलाल जी साहब का, इनके ग्रंथों में, इनके प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट रूप से ये लिखा है पहले कि यहां, जैसे जब सूर्य मंत्र देने का नंबर आता है, उस समय जब आहार दान की विधि होती है और आहार दान के बाद में दोपहर में हम केवल ज्ञान कल्याणक करते हैं, तो इसका बीच का जो पीरियड है आहार दान और केवल ज्ञान कल्याणक के बीच में ये सूर्य मंत्र की विधि की जाती है। उस समय ये सूर्य मंत्र देने के लिए क्या बता रहा था मैं आपको, पर्दा लगाया नहीं, सुनो, नाथूलाल जी के प्रतिष्ठा पाठ में ये शब्द लिखे थे कि यहां आचार्य नग्न होकर सूर्य मंत्र देवे, क्या लिखा था, यहां आचार्य नग्न होकर सूर्य मंत्र देवे। इस पंक्ति को बदलने का जो पाप किया गया, बाद के जो एडिशन है उसमें ये लिखा, यहां उसमें तो लिखा था नग्न होकर नहीं, दिगंबर होकर, यहां आचार्य दिगंबर होकर
सूरी मंत्र देवे ऐसा लिखा गया था और इनने बदल करके वो दिगंबर शब्द आगे कर दिया। यहां आचार्य दिगंबर होकर सूरी मंत्र देवे इस वाक्य का मतलब आप खोजिए, और जो उनने बदला उनने दिगंबर शब्द पहले कर दिया, यहां दिगंबर आचार्य सूरी मंत्र देवे नग्न होकर के, वो भी उनने दिगंबर होकर के नग्न होकर के शब्द ही नहीं था, तो उनने दिगंबर शब्द पहले कर दिया, पूरी बात का अर्थ बदल गया कि दिगंबर आचार्य सूरी मंत्र देवे ऐसा अर्थ हो गया, और पहले था आचार्य दिगंबर होकर। दिगंबर होकर का क्या मतलब होता है, क्यों आचार्य, जो यदि हम पंच परमेश्वरी वाले आचार्य को आचार्य माने तो क्या वो दिगंबर नहीं है पहले, तो यहां क्यों लिख रहे हैं दिगंबर होकर। ये दिगंबर होकर के यदि लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि वो पहले दिगंबर नहीं थे, और यहां पर दिगंबर होना। और आचार्य का मतलब क्या है, आचार्य का मतलब क्या है, आचार्य का मतलब प्रतिष्ठा ग्रंथ में बारंबार हजारों जगह, प्रतिष्ठा पाठों में हजारों जगह यहां विधि लिखते समय उनको ये आचार्य क्या करें, प्रतिष्ठाचार्य क्या करें, प्रतिष्ठाचार्य क्या करें, तो ये विधि लिखना पड़ता है, यहां प्रतिष्ठाचार्य ये करें, यहां प्रतिष्ठाचार्य यहां ये करें, यहां प्रतिष्ठाचार्य ये करें, तो उसको संक्षेप करने की दृष्टि से बार बार प्रतिष्ठाचार्य ना लिख करके कहीं प्रतिष्ठाचार्य भी लिख देते हैं और कहीं पर सामान्य आचार्य लिख देते हैं। ऐसे मैंने सैकड़ों स्थल उनको, प्रकाश संगी हितैषी को एक एक स्थल छांट छांट के प्रतिष्ठा पाठों के ऐसा 40 पेज का पोथन्ना मैंने उनको दिया था, फिर उसके आधार पर उनका वो लेख छपा था। 40 पेज का पोथन्ना निकाल करके दिया कि देखो यहां पर, और ये सब हमने इसमें वो छपा दिया उनका लेख, सूरी मंत्र वाली जो पुस्तक है उसमें हितैषी जी का वो लेख भी छपा है। तो वहां पर जो है ऐसे अनेक जगह पर जो है वहां पर आचार्य शब्द का प्रयोग होता है, वो आचार्य शब्द का प्रयोग। और सुनो, वो आचार्य जो है गर्भ कल्याणक में भी, यहां आचार्य गर्भ कल्याणक की विधि कराएं, अब आचार्य गर्भ कल्याणक की विधि कराएंगे, और आचार्य यदि नग्न दिगंबर आचार्य है हमारे पंच परमेश्वरी वाले आचार्य परमेश्वरी, तो गर्भ कल्याणक की विधि वो कराएंगे। पुराने प्रतिष्ठा ग्रंथ में यहां तक लिखा है, जो भाई साहब ने बात कही, यहां तक लिखा है कि गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, इन दो कल्याणकों में तो नग्न दिगंबर आचार्यों को आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, यहां उनका क्या काम है, अरे तुम नग्न दिगंबर वैराग्य की मूर्ति बने हो, तो अब तो नग्न दिगंबर आप स्वयं हो, अब ये गर्भ कल्याणक की क्रियाएं, जन्म कल्याणक की मौज मस्तियां, ये यदि यहां पर होंगी और उसमें तुम उपस्थित रहोगे तो तुम्हारे सामने हम ये नाच गाना करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसकी मना किया कि यहां पर नहीं आवे, माने ये दीक्षा होने के बाद ही उनको यहां पर आना चाहिए। अभी योगेश जी ने एक करेक्शन और कराया, उनने करेक्शन ये कराया है, दीक्षा कल्याणक में भी ना आए, केवल ज्ञान कल्याणक के बाद ही मुनियों को प्रवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सूरी शब्द है ना, सूरी शब्द, इसके दो जगह से अर्थ बनते हैं। एक सूरी का मतलब, इसका नाम एक दूसरा भी मंत्र का नाम प्रसिद्ध है, सूर्य मंत्र, जिसकी बात भाई साहब ने करी, और जो दूसरा शब्द है वो है सूरी मंत्र। सूर्य मंत्र शब्द यदि इसका हम करेंगे तो सूर्य का अर्थ है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है, वो हम प्रतिष्ठा के अनुसार जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय जो मंत्र विधि की जाती है उस मंत्र का नाम है सूर्य मंत्र। और सूरी मंत्र भी यदि इसका अर्थ किया जाए तो सूरी शब्द का अर्थ होता है आचार्य, आचार्य, आचार्य परमेश्वरी नहीं, आचार्य। आपको मालूम है मैं भी आचार्य हूं, जयेंद्र जी, अब कोई भी आचार्य आचार्य तो है, ये गृहस्थाचार्य है, प्रमाण पत्र है हमारे पास में, प्रमाण पत्र भी है, योगेश जी ने भी जैन दर्शनाचार्य किया, माने ये आचार्य तो हम है ना आचार्य। और जो मेरे को प्रमाण पत्र मिला है ना उसमें जैन दर्शनाचार्य नहीं लिखा, उसमें तो आचार्य की आचार्य
का जो है ना वो प्रति वो लिखा आचार्य आचार्य पदवी, आचार्य पदवी का वो हमारे उसमें लिखा है और नीचे नीचे लिखा है कि इनने जैन दर्शन विषय पर आचार्य पदवी प्राप्त की, जैन दर्शन विषय पर आचार्य पदवी प्राप्त की, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जैन दर्शन आचार्य। हम जैन दर्शन आचार्य नहीं, आचार्य मैंने वो उसके पदवी के हिसाब से आप पढ़ लो, आप पढ़ लो वो पदवी में आचार्य पदवी लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सूरी मत का मतलब भी, और ये बात भी बहुत सही भाई साहब ने कही और ये बात बहुत विचारणीय है, कोई हमारा एकाध विद्यार्थी तैयार यदि होता है तो ये सूरी मंत्र विषय पर पीएचडी कराना चाहिए। और ये पीएचडी में ये जो भाई साहब ने कहा ना कि 18 ग्रंथ श्वेतांबरों के उपलब्ध हैं, 18 ग्रंथ, सूरी शब्द तो दिगंबरों का है ही नहीं, सूरी शब्द जो है मुख्य रूप से श्वेतांबर ही इसका प्रयोग करते हैं। हमारे आचार्यों में भी किसी किसी के साथ में सूरी शब्द लगा हुआ है, मैं शाब्दिक विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुख्यता से बात है मुनियों में आपको श्वेतांबरों में हर आचार्य के साथ में सूरी शब्द मिलेगा, हमारे दिगंबरों में परंपरा है कोई सूरी लगाने की, अमृतचंद सूरी जैसे नहीं, दिगंबरों में भी हैं आचार्य हमारे अमृत चंद्राचार्य को ही सूरी अमृतचंद्र सूरी, और ये सूरी नहीं एक और शब्द है ठाकुर अमृतचंद्राचार्य, एक ठाकुर भी उपाधि अमृतचंद्राचार्य की है और एक सूरी उपाधि भी, उपाधि मैं मनानी ही कर रहा हूं लेकिन मुख्यता से जो चलन है वो श्वेतांबरों में इसका चलन है और दिगंबरों में इसका चलन कम है। और ये जो बात इन्होंने कही है इसलिए ये जो उनकी प्रतिष्ठा विधि होती है उनके यहां मंदिर की प्रतिष्ठा विधि होती है ना, तो उसमें सूरी मंत्र का चलन देख करके वो धीरे से वो हमारे यहाँ पर समझ लो ये आप आयातित है, एडॉप्ट किया है वो हमारे यहाँ भी वो सूरी मंत्र चलने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो ये जो मंदिर है हमारे मंदिर है वहां पर भगवान की विराजमान होते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, पूरे देश में जैन मंदिर हैं, हजारों से जैन मंदिर हैं, दक्षिण में भी हैं, उत्तर में भी हैं, पूरब में पश्चिम में सब जगह जैन मंदिर हैं। दक्षिण में जो मंदिर हैं दक्षिण में वहां पर दक्षिण की विधि से पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं होती हैं, दक्षिण में जो प्रतिष्ठाएं दी जाती हैं बल्कि उसमें एक और काम भी होता है, वहां पर जो सूरी मंत्र का उल्लेख वहां के प्रतिष्ठा पाठों में है ही नहीं, वहां के प्रतिष्ठा पाठों में सूरी मंत्र का उल्लेख ही नहीं है। ये जो विधि होती है ना, ये जो इनने तिलक दान बताया इसके बाद में एक और अंकन न्यास की विधि होती है, अंकन न्यास के बाद में एक और विधि होती है स्वस्तयन की विधि होती है, स्वस्तयन की विधि होती है वो केवल ज्ञान के मंत्र उसी में दे दिए जाते हैं, तो उसको सूरी मंत्र नाम नहीं दिया। और आपको बताऊं ये जो सूरी मंत्र है दो तीन प्रकार के सूरी मंत्र मिलते हैं, जो असली सूरी मंत्र है, असली सूरी मंत्र जो बहुत प्राचीन है वो सूरी मंत्र में 11 अक्षर हैं, ऐसे 11 अक्षर 11 शब्द, और एक एक शब्द में 8-8, 9-9 आधे आधे शब्द हैं, आधे आधे अक्षर हैं। वो आधे आधे अक्षर बोलना तो पंडितों को मुश्किल है, पंडितों को मुश्किल है, अच्छे अच्छे संस्कृत के पाठियों को उनको मुश्किल जाता है। और जब जो पहले जब जहां कहीं मुनियों से प्रतिष्ठाएं कराते रहे ना तो वहां पर वो तो जो है वो मुनि महाराज प्रतिष्ठाचार्यों को निवेदन, तू हमसे तो कह रहे हो कि तुम सूरी मंत्र दे दो, लेकिन वह सूरी मंत्र हमें से तो बोलते ही नहीं बना थे, ऐसा बोलते हमसे तो बोलते नहीं बनता, अब हम क्या करें, तो वे थोड़ा सा उनको गाइड करते थे और ऐसे दे दो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसा ऐसा आधे आधे अक्षर ना, आधा दो आधा आधा बोलो, और ऐसे जो है वो बन, मेरे से भी नहीं बने, मेरे से भी नहीं बने, हाँ डब्ल्यू ब्लूम। तो ऐसे जो है ये सूरी, तो फिर तरीका ये निकाला गया कि भैया ये तो बोलते बनता नहीं है और ये तो पढ़े लिखे है नहीं यहाँ, कौन नहीं कह रहा ये पढ़े लिखे है नहीं यहाँ, अब हम क्या करें क्या करें, तो बोलते हैं भैया अब तो तुम जो है ना तुम कछु नहीं है, सूरी मंत्र इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा बोल कर इसमें इस सूरी मंत्र कोई बात नहीं है, आप तो प्लेन नमोकार मंत्र बोल दो, हो गया सूरी मंत्र, बताओ ऐसा ऐसा एक कोई प्लेन बना दिया अथवा ओम ह्रीम असिया उषा
सर्वशांतिम कुरु गुरु आप ऐसा बोल, ये क्यों केवल ज्ञान हो गया इसमें? सर्वशांतिम कुरु गुरु में केवल ज्ञान कहां से हो गया? केवल ज्ञान कल्याणक की। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बहुत सारी बातें भाई साहब ने, योगेश जी ने बताई, और आपको बहुत अच्छा उन्होंने जो है उसका उठाव भी किया प्रारंभ से, मैं आपको ये कहना चाहता हूं पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में हमने माता पिता बना दिया किसी को, ठीक है, हमने सौधर्म इंद्र बना दिया, हमने राजा बना दिए, हमने वो क्या बोलते हैं लोकांतिक देव बना दिए, हमने वो 56 कुमारियां बना दी, हमने सब बना दिया, ये बना दिया वो बना दिया। अरे जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, माने जिन महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा हो रही है, वो महावीर स्वामी तुमने किसको बनाया? सुनना सुनना, घबराना नहीं। अरे क्या बनाने की जरूरत है? ये जो है ना, हमने इनको बनाया ना विधिनायक, विधिनायक जो बनाया है वो विधिनायक ही हमारे जो हैं वो भगवान हैं, और उन पर हम विधि, देखना विधिनायक पर हम विधि करते हैं, लेकिन वो विधि सब भगवंतों पर लागू हो जाती है। वहां पर सैकड़ों भगवान हो, कोई महावीर हो, कोई आदिनाथ हो, कोई कुछ हो, और हम पंच कल्याणक कर रहे हैं नेमिनाथ का, लेकिन वो नेमिनाथ पर लगाई गई विधि वो महावीर पे भी लागू पड़ जाती है, वो आदिनाथ पर भी लागू पड़ जाती है, और उसमें जो है पूजाएं आदि में 2400 तीर्थंकरों की पूजाएं भी हैं, 2400 तीर्थंकरों के मंत्र भी हैं, माने वो हम एक नाम एक माध्यम से 2400 तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं, 2400 तीर्थंकर के मंत्र बोलते हैं, जिन जो जो भगवान होंगे उन पर वो सब लागू पड़ जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया, ये बात सही है, और हम विधि नायक पर ये पूरी विधि करेंगे, ये बात भी सही है, लेकिन आपने प्रतिष्ठाएं देखी होंगी, उसमें जब जब वो विधि नायक को उठाने की बात आएगी, विधि नायक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विराजमान करने की बात आएगी, विधि नायक को गर्भ में विराजमान करने की बात आएगी, विधि नायक के जन्म कल्याणक की बात आएगी, तो अधिकांश समय ये काम को वो प्रतिष्ठाचार्य किसी को हाथ नहीं लगाने देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते, बोले नहीं भगवान उठाने का काम तो मैं ही करूंगा, भगवान उठाने का काम तो मैं ही करूंगा, ये भगवान उठाने का काम ये ही क्यों करेंगे, दूसरा क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं वो विधि नायक तो प्रतिमा में उनकी उस विधि होना है, और जिस समय केवल ज्ञान कल्याणक होता है, जिस समय दीक्षा कल्याणक होते हैं, उस समय आपने देखा होगा भाई साहब ने बताया पर्दा बंद करके अंदर प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, भगवान होते हैं और एक दो सहयोगी होते हैं, और कोई नहीं होते हैं, सौधर्म इंद्र को भी ले लेते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है आपको मालूम है? वैसे ये बताने की बात तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अंदर की बात बता देता हूं आपको क्या है होता है अंदर। अंदर में वो मूर्ति पर जैसे हम अंकन न्यास करते हैं, वो मूर्ति पर जैसे अंकन न्यास किए जाते हैं, सेम वैसे ही अंकन न्यास प्रतिष्ठाचार्य को भी नग्न करा करके उसमें किए जाते हैं, सेम वो बोल रहे हैं कि पहले प्रतिष्ठाचार्य को अंकन न्यास किए जाते हैं और वो प्रतिष्ठाचार्य बाद में वो मूर्ति पर वो अंकन न्यास करता है। क्यों करता है आपको मालूम है? क्योंकि ये जो केवल ज्ञान होना है ना, ये कोई नहीं देने वाला है, आप देने वाले हो सूरी मंत्र उनको, आप केवल ज्ञान आप पैदा करवाने वाले हो, या कोई मुनि महाराज पैदा करने वाले हैं, या प्रतिष्ठाचार्य पैदा करने वाले, प्रतिष्ठाचार्य भी पैदा करने वाले नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का एक नाम प्रसिद्ध है, बोलो क्या नाम? तीर्थंकर परमात्मा का एक नाम प्रसिद्ध है, स्वयंभू। स्वयंभू माने क्या? स्वयंभू का मतलब है कि जिनके सब काम वो स्वयं करते हैं उसका नाम स्वयंभू, स्वयंभुआ इति स्वयंभू। स्वयं से जिनके सब काम होते हैं वो स्वयंभू हैं, उनको कोई केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, उनने स्वयं केवल ज्ञान उत्पन्न किया है, जन्म हुआ है, तीर्थंकर हुए हैं तो बोले स्वयंभू हुए हैं, स्वयंभू हुए हैं, केवल ज्ञान उनको स्वयंभू हुआ है, दीक्षा ली है तो उनने स्वयं से दीक्षा ली, कोई उनको किसी ने दीक्षा दिलाई है? कोई उनके दीक्षा गुरु होते हैं? क्यों नहीं होते हैं दीक्षा गुरु?
ये कह रहे हैं ना, ये तीर्थंकर हैं, ये तीर्थंकर किसी दूसरे तीर्थंकर से दीक्षा नहीं लेते हैं, ये किसी दूसरे मुनि से दीक्षा नहीं लेते हैं, ये तो स्वयं से लेते हैं। अब उस स्वयं से ही उनको दीक्षा लेना है तो तुम हमको क्यों दीक्षा की विधि तुम क्यों कराओगे? जब हमको स्वयं से केवल ज्ञान उत्पन्न होना है तो केवल ज्ञान की विधि आप क्यों कराओगे? केवल ज्ञान की जो विधि है माने सूरी मंत्र की जो विधि है वो तीर्थंकर परमात्मा स्वयं करते हैं, और वो तीर्थंकर परमात्मा स्वयं करते हैं, उनका जो रोल है पंच कल्याणकों में, उनका जो जैसे सौधर्म इंद्र का रोल सौधर्म इंद्र कर रहा है, ऐसे जो उनका रोल अदा करने वाला यदि कोई व्यक्ति है पंच कल्याणक में तो वो प्रतिष्ठाचारी है। इसलिए वो प्रतिष्ठाचार्य वो स्वयं को वो अंकन्यास करते हैं, और वो प्रतिष्ठाचार्य स्वयं केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, और वहां पर वो एक प्रतिष्ठाचार्य है दूसरे विधि नायक हैं, दोनों वही वही हैं, तो वो विधि जो है उनके वो केवल ज्ञान अपने में उनने अंकन्यास करके स्थापना करी, अपने में स्थापना करी पहले, और बाद में वो उस मंत्र को उनमें स्थापना कर देते हैं, उनके कान में सुना देते हैं, अथवा इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं कान में सुनाने की, लेकिन परंपरा ऐसी है कि वो कान में मंत्र सुनाने की परंपरा है तो कान में मंत्र सुना देते हैं और वो विधि संपन्न हो जाती है। तो ये जो है जो कहा ना कि वो प्रतिष्ठाचार्य का अपने सारे कल्याणकों के लिए उसको निमंत्रण दिया था कि चार कल्याणक के लिए दिया था, केवल ज्ञान कल्याणक हम करेंगे बाकी चार कल्याणक तुम करना, ऐसा किया था, पूरे कल्याणक के लिए दिया था ना, तो पूरे कल्याणक के लिए ये प्रतिष्ठा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में दो व्यक्ति प्रधान है, तीसरे व्यक्ति को गुरु नहीं माना जा सकता, बहुत बढ़िया। दो व्यक्ति प्रधान है, एक तो विधि नायक जिनके नाम का जय जयकार हो रहा है, जिनका तीर्थंकरत्व प्रसिद्ध हो रहा है, जिनके गर्भ की बात, जिनके जन्म की बात, जिनकी दीक्षा की बात। अरे दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में नेमिनाथ के हम बारात तक निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो विधि उनके जीवन में घटित घटना है, इसलिए हम वो भी विधि करते हैं। ये सब करने के बाद में दूसरा यदि कोई व्यक्ति वहां उसका नायक है, नायक पंच कल्याणक का यदि कोई दूसरा व्यक्ति नायक है तो उसका नाम है प्रतिष्ठाचार्य। इसलिए वो प्रतिष्ठाचार्य ही इसका पूरा पूरा अधिकारी है। मालूम जब बहुत मूर्तियां हो जाती हैं, सैकड़ों से मूर्तियां हो जाती हैं, सबको अब दो घंटे तीन घंटे के अंदर हमको जो है सबको सूर्य मंत्र देना है इतनी सारी मूर्तियों को, तो उस समय जो है वो अकेला प्रतिष्ठाचार्य बेचारा क्या करे? तो वो प्रतिष्ठाचार्य अपनी एक टीम बनाता है, और वो टीम जो है वो सहयोगी प्रतिष्ठाचार्यों की होती है, और सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य माने वो खुद नहीं दे रहे हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य ने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा मनोनीत है, उसके हैंड्स हैं, उसके हाँ बस उसने अपनी प्रतिष्ठाचार्य की जो है और 10 लोगों को प्रतिष्ठाचार्य उस समय के लिए क्षणिक बना दिया है, और वो सब भी जैसे नग्न होकर के ये देते हैं सूर्य मंत्र, ऐसे ही नग्न होकर के वो भी सब सूर्य मंत्र देते हैं, नग्न होकर के देते हैं, वो भी सब नग्न होते हैं सहयोगी भी, और वो सब जो है वो पूरा एरिया जो है बांध दिया जाता है उस समय के लिए, और वहां किसी का भी जाना वर्जित किया जाता है। और मैं ये कह रहा हूं ये वर्जित इसलिए भी किया जाता है, आम पब्लिक में क्यों नहीं करते हो सब ये विधि? वो अकेले नग्न होने के कारण नहीं कि प्रतिष्ठाचार्य नग्न है इस समय पर इसलिए वो छिप करके करो, अरे इसलिए भी किया जाता है एकांत में कि अभी वो मुनिराज शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर आरोहण कर रहे, और शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आरोहण कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब, आप इनको इस समय डिस्टर्ब मत करो। अब ये जो केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं अभी अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनको अभी डिस्टर्ब किसी ने नहीं करना चाहिए, उनके कान में भी बहुत जोर से सुनाने की जरूरत नहीं है, शुक्ल ध्यान भंग होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
कि ये जो सूरी मंत्र की विधि है और जो सूरी मंत्र की बात है, वास्तव में ये सूरी मंत्र की बात को बहुत गंभीरता के साथ में, और जो इनने कहा ना, ये बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। ये छोटी मोटी आपत्ति नहीं आएगी। ये प्रतिष्ठाएं सिर्फ सोनगढ़ वाले गृहस्थाचार्यों ने या प्रतिष्ठाचार्यों ने प्रतिष्ठित नहीं करी हैं। जितनी प्रतिष्ठाएं गुलाब चंद जी पुष्प ने कराई हैं, सैकड़ों से ज्यादा, तुम्हारे वो क्या नाम इंदौर वाले नाथूलाल जी शास्त्री ने कराई हैं, ये नाथूलाल जी शास्त्री, शिखर चंद भिंड ने कराई हैं, वो सब ने यही विधि से कराई हैं। सारे मंदिरों से वो सब मूर्तियां हटानी पड़ेंगी आपको, और ये बिल्कुल गलत है। ये वो गलत मतलब ये हटानी पड़ेंगी, इस डर से नहीं बोल रहा हूं, सब प्रतिमाएं स्टैच्यू हो जाएंगी, लेकिन इस डर से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं, जो विधि पूरी हुई है, पूरी विधि हो गई है, हमारे 13 पंथी 20 पंथियों में थोड़े मतभेद हैं, लेकिन उसके बाद भी पंच कल्याणक की दिगंबरत्व की जो विधि 13 पंथियों में होती है, वही 20 पंथियों में भी होती है। इसलिए 20 पंथियों के द्वारा भी जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, उनको हम गले लगाते हैं, कहीं उनको स्वीकार करते हैं, कहीं चंदनादि लगा हो तो उसका हम रास्ता निकालते हैं कि हम सुबह अभिषेक के समय जाकर के उसके दर्शन करते हैं, उस समय वो जलाभिषेक के द्वारा सब चंदनादि दूर कर दिया। ये उपसर्ग है, ये उनके ऊपर उपसर्ग किया है, वो भगवान अप्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। उन पर चंदन लगाने से यदि वो भगवान अप्रतिष्ठित माने जाएंगे तो आपके चंदन हटाने से प्रतिष्ठित थोड़ी हो जाएंगे। फिर से करो पूरे मंच कल्याणक। इसलिए हम जो हैं वो उनके ऊपर एक प्रकार से उपसर्ग हुआ है, उस उपसर्ग को दूर करते हैं और उनकी हम अर्चा करते हैं। ये इस प्रकार से इसकी विधि है, और वो विधि को हमको अपनाना चाहिए। और वास्तव में हमारे मुनिराजों को भगवंतों की जरूरत नहीं है, हमारे मुनिराजों को मंदिरों की जरूरत नहीं है। जरूरत बोलो, कोई नियम है कि बिना मंदिर के दर्शन किए वो आहार नहीं लेंगे? ये बात अलग है कि मंदिर उपलब्ध हो तो वो मंदिर से आहार के लिए निकलते हैं, ये तो हमारी एक व्यवस्था है। यदि कोई मंदिर जंगल में मुनिराज हो और सीधे जंगल से आ जाएं तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं, पहले दर्शन करके आओ। बोलो ऐसा करोगे? ऐसा भी कोई करने की जरूरत नहीं है। मुनिराज तो स्वयं पंच परमेष्ठी स्वरूप है ना, तो उनको किसी के दर्शन करने की क्या जरूरत है? दुनिया दर्शन करे, दुनिया उनके दर्शन करें। सुनो, मैं ये कह रहा हूं उनके लिए तो मंदिर है ही नहीं, वो स्वयं मंदिर है, वो स्वयं मंदिर स्वरूप है, वो उनके लिए मंदिर नहीं है, गृहस्थों के लिए मंदिर है। इसलिए गृहस्थ यदि मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये विधि जो हमको मंदिर की आवश्यकता है, भगवंतों की आवश्यकता है, ये विधि तो कम से कम हमारे पास रहने दो। ये विधि तुम ले लोगे तो फिर जो है ये हमारे लिए आवश्यक था ना, आरंभ का काम है, आरंभ का काम। ये जो प्रतिष्ठा कार्य हैं, ये आरंभ के कार्य हैं, बहुत बहुत आरंभ के कार्य। कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कितना बड़ा हमको आरंभ करना पड़ता है, और यदि मुनिराजों की इसमें आप अनिवार्यता कर दोगे तो ये जितना आरंभ का आपने पाप किया है ये सारा मुनिराज पर जाएगा। आप मुनिराज को दोषी बना रहे हो ऐसा करके। ये सारा आरंभ नहीं, ऐसा नहीं, या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो है ना खीर में सौंध और महेरी में न्यारे। जहां पर बढ़िया बढ़िया हो, माल माल हो, तो वो तो हमने कराया, हमने प्रतिष्ठा नहीं कराई होती, हमने सूरी मंत्र नहीं दिया होता तो तुम्हारे भगवान ऐसे ही रह जाते खीर में सौंध। और जब उसका आरंभ का पाप लगने की नौबत आई तो तुमने वो गृहस्थों पे डाल दिया। ये तो गृहस्थों के काम, ये तो गृहस्थ। अरे तुम क्या कर रहे, तो तुम क्या कर रहे? यदि ये काम गृहस्थों के हैं तो फिर ये आपके तो अनिवार्यता रह नहीं गई। इसलिए जो है इसमें गृहस्थों की ही मुख्यता है, सूरी मंत्र के काम में, पंच कल्याणक की विधि में गृहस्थों की मुख्यता है, और देव की स्थापना है। यदि ये देव से हम वंचित, आप यदि ऐसा करके हमको देव से वंचित कर रहे हो, और देव से वंचित करना माने सट कर्म से वंचित करना, माने देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तपः, इससे हमको वंचित करने का आप प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास से कृपा करके
बचे इतना ही हमारा। पहले अपने भी आरोप था सोनगढ़ पर कि जिनवाणी बदल रहा है, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य दिगंबर होकर सूर्य मंत्र देता है, आपने दिगंबर से आगे कर दिया, दिगंबर आचार्य सूर्य मंत्र देता है, तो आपने प्रतिष्ठा पाठ बदल दिए। एक बार अपने प्रमाण सिद्ध अभी देखी सूर्य मंत्र का जो उद्गम स्थान सितंबर में मिलता है वो बात भी देखिए, मैंने उसे सुनी प्रतिष्ठा।